खरीफ फसल की समीक्षा के लिए मंगलवार को संभाग स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक को लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां परखी और कलेक्टर ने सोयाबीन के अलावा फूलों की खेती को अधिक बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मंगलवार को रेसिडेंसी कोठी में संभाग स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में खरीफ फसल की समीक्षा होगी। जिला स्तर पर बीज और उर्वरक की क्या स्थिति है, कितने हेक्टेयर में खरीफ फसल होगी, इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी इंदौर आ रहे हैं। इस बैठक के पहले इंदौर जिले ने अपनी तैयारी परखी। कलेक्टर ने पशुपालन, डेयरी, कृषि के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार जानकारी ली। किसान क्रेडिट की क्या स्थिति है, उसकी भी जानकारी इस बैठक में ली गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सोयाबीन के साथ उद्यानिकी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। देखिए, कल एक प्रदेश स्तरीय जो टीम आ रही है, जिनके द्वारा पूरे इंदौर संभाग के संबंध में जो आगामी खरीफ की तैयारियों की समीक्षा करी जाएगी, उसकी तैयारी हेतु एक बैठक रखी गई है, जिसमें हमारे यहाँ बीज की और उर्वरकों की क्या उपलब्धता है, उसमें कुछ इंटरवेंशन किए जाने की आवश्यकता है, इसकी भी समीक्षा करी गई है। जो किसान क्रेडिट कार्ड अलग अलग विभागों के कितने बने हैं, उनकी भी समीक्षा करी गई है। और इसके साथ साथ किस तरीके से जो हॉर्टिकल्चर के सब्जी आदि के क्षेत्र हैं, फल आदि के क्षेत्र हैं, उनको बढ़ाया जाए, और ख़ासतौर पर सोयाबीन के मामले में जो अच्छी किस्में हैं उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए, इस संबंध में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इंदौर के साथ उज्जैन संभाग के अधिकारी भी इस बैठक के लिए इंदौर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।